जितना भी क्लास हो सके उतना क्लास कीजिए, जहां क्लास नहीं होती है हेड को डीन को मिलते हैं तो, नहीं तो मुझे जरूर बताइए, मैं क्लास चलवाऊंगा। पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, प्लीज पढ़ना और ज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बाद एग्जाम की बात आती है, ठीक है, उसके बाद एग्जाम की बात आती है। आपके एग्जाम के लिए जो भी विचार विमर्श हम लोगों ने किया है, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पैटर्न को हम फिर से स्टडी करेंगे एक बार, यूजीसी से भी हम लोग बात विमर्श करेंगे और करके दो हफ्ते का टाइम दीजिए, डिसीजन उसके बाद उसके बाद यही रहेंगे, यही जा थोड़े रहेंगे, आप फिर आइएगा फिर मिलेगा। कोई सवाल उठाए वो भी यूनिवर्सिटी की इज्जत का, आपके मान सम्मान हमारे मान सम्मान सबसे जुड़ी हुई चीज है, आपकी मार्कशीट पे डिग्री पे कोई सवाल ना उठाए कि कैसी डिग्री कैसी मार्कशीट है। आप लोगों को कल परसों में बात किया था मैंने, आज के 25-30 साल पहले, 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 70% लोग थर्ड डिविजन पास होते थे और उस थर्ड डिवीजन पे यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कही जाती थी। तो बहुत मासिक समय है ये, मायने रखती है आपकी, लेकिन ज्यादा मायने रखता है कि आपने ग्रहण क्या किया है। देखिए सर ने अपना निर्णय सुनाया कि 14 दिन का समय मांग रहे हैं। प्यारे छात्रों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज तक जो भी मैंने 3 वर्ष के कार्यकाल में किया है, कभी कोई मेरा डिसीजन छात्रों के खिलाफ नहीं गया है, न ही कभी आपका गला दबाने को है। मेरे ख्याल से इस बात से सब लोग सहमत होंगे। आगे भी जो भी आपकी बेहतरी के लिए होगा वो किया जाएगा, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इस समय आप लोग सुबह से लगे हुए हैं इसके लिए, हम लोग भी सुबह से परेशान हैं इसके लिए, क्या किया जाए। तो आज के समय फिर विचार विमर्श करके हम लोगों ने ये तय किया है कि आपकी क्लासेस चल रही हैं, नंबर 1 उसको कीजिए आप, ठीक है। 14 तारीख को मेरी बात हुई थी आप लोगों से, मैंने कहा था क्लासेज अगर नहीं चल रही हैं मुझे बताइए, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है क्लासेज चलाने का, फिर भी मैं इसमें आऊंगा, आपके साथ चलूंगा, आपकी मदद करूंगा। आपको बताऊं कई बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि हमारी फलां डिपार्टमेंट में फलां टाइम पे फलां लेक्चर हॉल में क्लास नहीं चली, वो मैसेज मैंने हेड को फॉरवर्ड किया, डीन को फॉरवर्ड किया, ये कहते हुए कि समस्या को हल कीजिए। तो नंबर 1 पढ़ाई कीजिए, कहीं भी आप जाएंगे आपकी मार्कशीट किनारे रख दी जाएगी, सबसे पहले आपसे बात होती है, आपसे बात होती है, उस बात में ही आपका टेस्ट हो जाता है, मार्कशीट आपकी मायने नहीं रखती। पूरी बात सुनिए, मैं अध्यापक हूँ, आपका ही अध्यापक हूँ और आपके स्टेट से लेकर सेंट्रल कमीशन तक मैं बैठता हूँ, यही बता दे रहा हूँ आपको। क्या तरीका होता है डिसीजन का,
वो भी आपको बता दूंगा, बता रहा हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम यही होता है कि आपसे बातचीत जब करते हैं, जो भी बात करने वाले हैं लोग, बुजुर्ग लोग हैं, सबने काफ़ी अनुभव लिया हुआ है, वैसे अंदाज लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि आपके पर्सनालिटी से आपकी मासिक मैच कर रही है कि नहीं कर रही, राइट। ये चीज़ है, मासिक बेमायने नहीं है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो है, जिसको हमने देखा दो मिनट में अभी, आपकी मासिक तो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। इसलिए पढ़ाई पे मैं पहले ध्यान दे रहा हूँ। आप लोग